बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से बीएड को लेकर। बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों बिहार से जो खबर सामने आ रही है बीएड को लेकर, तो ये कह सकते हैं पूरे भारत के लिए दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्या खबर आई है और ये सारी चीजें दोस्तों आप सभी को पता है कि इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें की जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं, चाहे बिहार बीएड के हैं या फिर कहीं और से हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आ चुकी है बीएड के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। आगे बढ़े उससे पहले एक विशेष सूचना दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार सीईटी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक में आपको 2100 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 600 पेपर मिल जाएंगे, जनरल इंग्लिश, हिंदी, सामान्य ज्ञान, तार्किक विश्लेषणात्मक, तार्किक क्षमता के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पूरी पुस्तक आपकी नवीनतम पाठ्यक्रम पर बनाई गई है। देख सकते हैं सिलेबस को कितने आसान भाषा में डिस्क्राइब किया गया है और पूरी परीक्षा के पैटर्न पर बनाई गई है। इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से खरीद सकते हैं। अगर ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं नजदीकी कॉपी किताब की दुकान से खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की और बहुत सारी बुकें आती हैं इंडिविजुअली, इसको भी खरीद करके हिंदी की, यूपी टेट की, सुपर टेट की, ठीक है, बिहार बीपीएससी की, इसको भी खरीद करके आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको पता है कि बिहार में बीएड का जो है फॉर्म, यानी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली संभावनाएं हैं कि 25 से लेकर के 30 जनवरी के बीच जो अंदेशा लगाया था, तो 30 जनवरी के पहले आप लोग का ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहां पर बिहार से बड़ी खबर आ रही है बीएड के अभ्यर्थियों के लिए। जो सूचनाएं मिले दोस्तों कि यहां पर प्राइमरी में दोस्तों बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है और विशेष राज्य का विशेष अधिकार लगा करके दोस्तों यहां पर बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है चुनाव को देखते हुए, ठीक है। तो मैं एक बार सबसे कहूंगा कि जो लोग भी बिहार में एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं भर दीजिए, क्योंकि बीएड वालों के लिए अब फिर से यहां पर मौका मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर प्राइमरी के लिए दोस्तों बीएड वाले एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म को भर दीजिए, बाकी और स्टेट्स में दोस्तों ये सारी चीजें लागू हो सकती है, बस थोड़ा सा आप समय दीजिए। बाकी जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम सूचित करते रहेंगे। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए।